नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है आज थर्सडे है और शाम हो रही है, आपको दिख ही रहा है, सब लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है। तो आज थर्सडे है, क्या स्पेशल है, मैंने क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया, ऐसे मेरा मन कर गया था ब्लॉग करने का। आज थोड़ा वेदर बेटर हो रहा है, अभी दो तीन दिन से वेदर बहुत ख़राब हो रहा था, मतलब रात में भी इतनी गर्म हवाएँ आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्म हवा आ रही थी। आज थोड़ा बेटर वेदर है। तो कल मैंने आलू का जो मसाला है ना वो बना दिया था शाम को, रात में, ताकि मैं सुबह आलू के पराठे बना सकूँ। तो सुबह तो नहीं बन पाए ड्यू टू सम रीज़न। अभी विक्की आज जल्दी आ गया है, मतलब सुबह वो खा के भी नहीं गया था, सैंडविच बना दिया था मैंने फटाक से, सैंडविच बने थे, पराठे नहीं बने थे। तो अब भी उसको पराठे खाने का मन है और मेरे को भी बहुत पराठे खाने का मन है, इसलिए मैंने आलू का मसाला बनाया था। मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से आटा गूंद रही हूँ और आलू का पराठा बनाती हूँ। मैं आई थिंक बहुत टाइम बाद, डेढ़ साल बाद आलू का पराठा बनाऊंगी। पहले बनाती थी जब रह रहे थे इधर पे, बट अब घर पे चले जाते हैं तो घर पे तो मम्मी बना लेती है, तो देखते हैं कैसा बनेगा, होपफुली अच्छा बनना चाहिए। सो या लेट्स स्टार्ट। ये मैं अभी आटा गूंदने वाली हूँ, आटे है और ये रहा मेरा मसाला, मसाला इज ऑलमोस्ट रेडी। मैं अब थोड़ी बेटर हो चुकी हूँ, तो अब मैं किसी भी चीज़ में आटा गूंद लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ थाली में गूंदती थी, बट अब मैं किसी भी चीज़ में आटा गूंद पाती हूँ, तो इसलिए मैं फटाक से आटा गूंदती हूँ। Where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you. तो एकदम परफेक्ट पराठे बने हैं, मतलब बिल्कुल भी फटे वटे नहीं है और साथ में फूल भी रहे थे, तो मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि कैसे बन गए। और ऊपर मैं मस्त बटर लगा करके गरम गरम विक्की को वहीं दे रही थी। तो यूजुअली विक्की कभी भी ऐसा नहीं होता, मतलब वो गरम खाता ही नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ में खाता है, लेकिन मैं पीछे पड़ी थी कि नहीं खा लो, इस पर मज़ा नहीं आएगा, मैं भी खाती जाऊँगी साथ में, तब वो बैठा। ये उसके अंदर एक बहुत अच्छी हैबिट है, और ये इसलिए हैबिट है क्योंकि मेरे इन-लॉज के यहाँ पर भी यही कल्चर चलता है कि कोई भी अकेला खाना जैसे जो बना रहा है, ऐसा नहीं कि लेडीज़ लास्ट में खा रही हैं या मेरी मदर इन लॉ लास्ट में खा रही है, मैं लास्ट में खा रही हूँ, हम लोग सब साथ में बैठ के खाते हैं। तो डेफिनेटली ये विक्की के अंदर जो हैबिट है, इट्स बिकॉज ऑफ माय इन लॉज, तो वो साथ में ही खाता है। तो वहीं गर्मी में बैठ करके किचन में ही खा रहा था और बाद में मैं भी एक एक बाइट उसमें से लेती जा रही थी। ओके गाइस, तो ये है पराठा, विक्की ने खा लिए गरम गरम, कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया। हाँ, एक्चुअली मैं अच्छे बने, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट क्या है कि फटा नहीं है, उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा। और इन्होंने बहुत सारा बटर लगाया है, और क्योंकि कोई सब्जी नहीं है, तो आई एम ईटिंग इट विथ टमेटो केचप। तो मैं सेकती भी जा रही हूँ और साथ में खाती भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है और गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है। और ये सब चीज़ें ना गर्म गर्म खाने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है, तो आई एम जस्ट ईटिंग एज वेल। मुझे लग रहा था मैं तो टाइम बाद बनाऊंगी, पता नहीं कैसा बनेगा, बट टर्न आउट रियली वेल। अभी मैं जाऊंगी फिर निशा के घर पे, एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम लोग काफ़ी दिन से मिल नहीं पाए हैं, तो भी खा पी के जाऊंगी, पास में रहती हैं तो फिर चले, उनके जाने में ऐसा आलस नहीं आता। और फिर मैं इन्हीं कपड़ों में जाती हूँ लिटरली, तो मैं खाती हूँ, लास्ट पराठा सिक रहा है। और ये जो मैं सेक रही हूँ ना, ये आयरन का ही तवा है। ओके गाइस, सब फ्री हो गए हैं, खाना वाना खा पी करके 9 बजने वाले हैं, और अब जा रही हूँ मैं अपनी दोस्त के घर पे। तो कुछ सामान लेके जा रही हूँ, फाउंडेशन देना है मुझे, एक लिपस्टिक देना है और एक और, तो चलिए मैं निकलती हूँ वहाँ पर निशा के घर पे और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज दिया लगाना भूल गई आप। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि फैंस चल रहे हैं फुल स्पीड में सुबह से। तो सुबह उठ गए हैं, अब उठ गए जल्दी, बट अभी 8 बजे है और 8 बजे हमारे यहाँ कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि विक्की निकलता है 10 बजे, तो वापस से लगते हैं कुकिंग में। विक्की गुड मॉर्निंग, नींद में हो? चलो आप पानी डाल दो तब तक पौधों में। ये हो रही है दाल का मसाला और ये सब्जी हो रही है।
ये विकी का टिफिन बॉक्स है, फटाफट से इसको फिल करते हैं। और मैं विक्की को छोड़ के आती हूँ फिर स्कूल तक, नहीं बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ मैं, और फिर उसके बाद आ करके आप लोगों से मिलती हूँ। आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि आप स्कूल जा रहे हैं? विक्की को तो पूरा लगता है, आईडी कार्ड, शूज, अभी तो आज चलो फ्राइडे है तो ये ऐसे कपड़े पहना हुआ है, और ये लंच, ये लो और बस में बैठ के जाते, बस में बैठ के जाते हैं ये लोग बिल्कुल सशरी बच्चों की तरह। तो ये जो लैम्प है इसका ये वाला बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया है, तो अभी जस्ट मैं बल्ब चेंज कर रही हूँ। हमारे पास इतने सारे एक्स्ट्रा बल्ब्स रखे हुए हैं, सब स्टोर करके रखे तो लाने की जरूरत नहीं है, मतलब रखा हुआ है, बस वही चेंज करती हूँ। ये हमारे बल्ब का पिटारा, इसके अलावा भी काफी सारे बल्ब्स, और ये जो होते हैं ना एंगल्स, ये और होल्डर्स, और दुनिया जहाँ की सब चीजें हैं में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है ये, बट इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का स्टफ है, बट इसको जब ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे ना उसमें बहुत स्पेस है लिटरली। तो बेडशीट बिक चुकी है, ये वाली जो बेडशीट है ना ये मैंने डीमार्ट से लिया था, बहुत प्यारी बेडशीट है, वाइट है और उसमें हल्के हल्के पर्पल एंड पिंक कलर के बहुत छोटे फ्लावर्स हैं, मैं दिखा दूंगी आपको। एंड ये भी बहुत चल रही है, आई थिंक 2019 या 18 में ली होगी मैंने, और अच्छी धुल जम के वॉश करी है इसको भी मैंने। कुछ बेडशीट वाले वीडियो जो मैंने डाला था ना उसमें मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आप फिटेड बेडशीट यूज करते हो तो रेकमेंड करो, तो मैंने एक बार मंगवाई है फिटेड। एक तो फिटेड बेडशीट में प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शंस नहीं है, है ना, आप बहुत वेराइटी अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ ही ब्रांड्स लोगों ने निकाली है। अगर आप अच्छे कॉटन की बेडशीट लोगे ना, जो कॉटन अच्छा होता है वो सरकता नहीं है, मतलब बहुत, जैसे आप सोचो ग्लेस कॉटन वगैरह जो होते हैं ना उनमें, या कॉटन ब्लेंडेड बेडशीट्स होती हैं, वो बेडशीट्स ऐसी होती है कि आप बैठोगे और खड़े होगे तो भी आपको ठीक करना पड़ेगा। बट इन बेडशीट्स में जिस तरीके से मैं फोल्ड करती हूँ, आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बेडशीट को फिटेड बनाने का तरीका होता है, तो मैं फोल्ड इस तरीके से करती हूँ कि ये इवन कल सुबह भी अगर मैं ठीक नहीं करूँगी ना तो ये ऐसी ही रहेगी, इतनी इंटैक्ट रहेगी। तो आप फोल्ड करने का तरीका अपना चेंज कर सकते हो। जो अच्छे कॉटन की बेडशीट्स होती है उनमें ऐसा डर नहीं होता कि आप बैठे हो तो खड़े हो गए तो भी आपको ठीक करना पड़ेगा। ऑलरेडी मुझे ऐसी वाली बेडशीट्स ही ज़्यादा पसंद है, और ऐसा लग रहा है आज मुझे बोलते बोलते सांस फूल गई है, मैंने पानी नहीं पिया एक्चुअली सुबह से। मैं शार वगैरह लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शार और आज मुझे थोड़ा सा शूट करने का सोच रही हूँ, वैसे मुझे एडिट भी करना है शूट भी करना है, तो लेट्स सी, कल सैटरडे है तो कल काम करने का मन करेगा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ आज ही एडिट करके ख़त्म करती हूँ, कल वीडियो डाल दूंगी, व्लॉग डाल दूंगी। तो अभी मैं शार लेकर के आई हूँ, तो सबसे पहले सिर्फ रोज़ वाटर बहुत सारा वो करती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी थोड़ी देर बाद जो भी लगाना है। मुझे राइस बनाना है एंड आई एम वेयरिंग दिस न्यू टी शर्ट, ये मैंने लिया है जूडियो गई थी मैं थोड़े दिन पहले, तो विक्की को कुछ टी शर्ट्स लेना था और मुझे टी शर्ट लेना था, तो मैंने भी, मतलब हम लोग अब क्या है, वो मेरी टी शर्ट पहना था, मैं उसकी टी शर्ट पहनी थी, ऐसा चलता है। बट ये वाइट स्पेसिफिकली मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ, एंड दिस इज इन द साइज XL, मतलब ये XL साइज में है। मैं L पहनती थी बट अब मैं और लूज पहनने लगी हूँ, तो ये इतनी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी लग रही है, और डेफिनेटली वॉश करके ही हम लोग पहनते हैं। तो अब मैं फटाफट से राइस बनाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं खाऊंगी तब तुरंत बनाऊंगी, विक्की लेके नहीं जाता है राइस क्योंकि ठंडे फिर मज़ा भी नहीं आता है। एक सेकेंड,
ये जो चॉपिंग बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये मैंने होम सेंटर से लिया था. दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड रणवीर ब्रार का जो है. एंड इसमें देखिए, यहीं पर जो आप पूरा वेस्ट निकलता है, कच्चा निकलता है, उसको आप इसमें छिलका विलका डाल सकते हो और इसको वॉश कर सकते हो. ये पूरी निकल जाती है, देखिए इस तरीके से. काफी बड़े साइज का एंड वेरी वेरी स्टर्ली, बहुत अच्छी क्वालिटी का है. काफी टाइम हो गया मुझे उसको यूज करते हुए. ओके गाइस, सो दिस इज माय लंच. डेढ़ चपाती, चावल, अचार, दाल जिसमें बहुत सारा घी है, और साथ में लौकी की सब्जी और चूड़ा, और ये है सैलेड. तो मैं लंच करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. हाय गाइस, तो शूटिंग वूटिंग सब कुछ हो चुका है, मेरा शूट कंप्लीट हो गया है, कि थोड़ा जल्दी आ गया बिकॉज आज फ्राइडे है. तो फ्राइडे थोड़ा जल्दी आ जाता है वो, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक में फंसा फ्राइडे वाले तो मतलब बहुत ही गंदा फंसता है, और फिर उसके बाद सुबह जल्दी भी निकल जाता है वो. कल है सैटरडे और कल है अक्षय तृतीया, तो आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते होंगे अक्षय तृतीया को. तो मैं अभी तक कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या लूँगी. मैं कंसिडर कर रही हूँ गोल्ड, देखती हूँ अगर मुझे कुछ जमेगा तो लूँगी. बनता इसलिए भी है क्योंकि मेरा इस बार जब बर्थडे आया था, डिड नॉट बाई एनी थिंग, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है लास्ट. मैंने कभी कुछ ना कुछ मैं खरीदती ही हूँ अपने बर्थडे पे, खुद को गिफ्ट करती हूँ, चाहे अब वो इतनी सी चीज़ भी हो. जैसे मैं इस तरीके के ये जो कान में पहनती हूँ ना, छोटे छोटे स्टड्स ले लो या कुछ भी. तो अभी मैंने इस बार बर्थडे पे इसलिए कुछ नहीं लिया था. आई हैड एन ऑप्शन कि मैं सोचा था मैंने लूँगी, बट मेरा मन ही नहीं हुआ. तो मैंने इसलिए इस बार बर्थडे पे कुछ नहीं किया था बिकॉज आई ऑलरेडी हैड लॉट ऑफ डेंटी थिंग्स नाउ इन टर्म्स ऑफ रिंग्स, नेक चेन्स में भी आई हैव हेल लॉट ऑफ कलेक्ट. तो जो जो छोटी मोटी चीज़ें पहनने की होती है उनका मेरे पास एक अच्छा खासा कलेक्ट. अब मेरा ये डिसाइड हुआ है कि जो भी मेरी शौकिया तौर पे पहनने की चीज़ें थी ना, जैसे डायमंड्स हो गया और ये सब चीज़ें हो गया, तो वो नाउ आई हैव टू स्टॉप बाइंग. डायमंड की जो एक बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, जैसे रिंग्स तो मेरे पास 90% डायमंड्स ही हैं, और ईयर रिंग्स हो गए, छोटे मोटे नेक चेन्स हो गए, पेंडेंट हो गए, सब आ गया है. तो अब मेरा ये पर्पज़ है कि आई नीड टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट इन गोल्ड. एक्चुअली मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है. तो मैंने ना ऐसे कुछ डिजाइन निकाल के रखी है. मुझे ना इस तरीके की रिंग्स लेने का मन है, बट इस तरीके की रेडीमेड रिंग्स कहीं नहीं मिल रही है. मैं ढूंढ चुकी हूँ पिछले एक साल से, मैं ढूंढ ही रही हूँ इनको. तो जो भी ज्वेलर के पास जाती हूँ बोलते हैं आपको कस्टमाइज कराना पड़ेगा. अब कस्टमाइज में ये हो जाता है ना कि लोकल ज्वेलर्स इतनी अच्छी फिनिशिंग शायद ना दे पाए, तो वो एक प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर भी मैं देखूंगी, या मुंबई में क्या है, डिज़ाइन बहुत अच्छी मिलती है. मतलब मेरे जो दो तीन शॉप्स हैं पहचान की, और एक आध ऑनलाइन गोल्ड सेलिंग वाली शॉप है, डेंटी ज्वेलरी सेल करती है, वो दे रहे हैं इस तरीके की रिंग, उन गोल्ड की 18 कैरेट की. बट प्रॉब्लम इज़ कि उन लोगों का मेकिंग चार्जेस, अगर वो 15,000 की रिंग दे रहे हैं तो 5,000 उनका मेकिंग चार्जेस है, विच आई विल डेफिनेटली नॉट गोना पे. लास्ट मेरा जो सबसे ज़्यादा शौक था, वो जो मैंने लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे रिंग परचेस करी थी मेरे को, वो था, वो मेरी वन ऑफ द एक्सपेंसिव ज्वेलरी पीस है. मतलब जो मेरा शादी का नेकलेस है ना, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव वो रिंग आई थी. तो मेरे को था कि मुझे इतने तक की लैक्स वाली रिंग चाहिए ही चाहिए थी, तो वो मैंने ले ली. और लेके क्या हुआ, बस रिग्रेट हुआ उसको लेने के बाद, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी है और इतनी हैवी है कि आप डेली में नहीं पहन पा रही थी मैं उसको. मैंने सोचा था कि मैं कैरी कर जाऊँगी, बट मैं नहीं कर पाई उसको कैरी. तो वो एक है पड़ी हुई है, वो लॉकर में रख दी मैंने उसको. मैंने बोला यार, एक तो इतनी महंगी है, ऊपर से फिर वो ट्रेन वेन में ट्रैवल करते हैं तो फिर जमता भी नहीं है. ऑटो ऑटो से, ट्रेन से आप अकेले ट्रैवल करते हो तो थोड़ा जमता भी और रिस्क भी लगता है. तो दैट्स वाई मैंने उसको अभी अंदर रख दिया. वो एक लास्ट ऐसा था जो मुझे था कि डेस्परेटली चाहिए थी मुझे. बाकी उसके बाद अभी मेरी ऐसी कुछ विश लिस्ट में है नहीं कि मुझे डेस्परेटली कुछ चाहिए. तो मैं ये सोच के रखी हूँ कि चाहे मैं 2 साल में एक चीज़ लूँगी, बट अच्छी तगड़ी चीज़ लूँगी जो देखने में हैवी भी रहे और जिसका रिटर्न वैल्यू भी बहुत तगड़ा रहे. और ऑब्वियसली 22 कैरेट का ही लूँगी. ये धनतेरस हो गया या ऐसे छोटे मोटे कुछ इवेंट्स हो गए, तो इनमें आप चांदी ले लो और कुछ नहीं, तो गोल्ड के ये जो छोटे छोटे आते हैं ना, ये ज़्यादा महंगे आते नहीं है. तो ऐसे कुछ स्टड्स वगैरह ले लो अगर शगुन करना ही है तो. तो ये मैंने ऐसा सोच के रखा हुआ है. एडिटिंग करती हूँ फटाक से और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में. विक्की आ गया है, माना गर्म करती हूँ मैं, तब तक फटाक से पूजा करते हैं. मॉर्निंग एवरीवन. सो आज है सैटरडे, अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ. तो सुबह के काम स्टार्ट हो गए हैं. राजमा मैंने वो कर दिया, आज राजमा हम लोग बनाने वाले हैं. तो राजमा को वो करते हैं ना, प्रेशर कुक करते हैं, रात भर गला दिया. तो रात में भूल गई थी, तो सुबह मेरी रात को, मतलब सुबह मेरी रात को, वाह, तो मेरी सुबह सुबह 4 बजे नींद खोली और मैं फटाक से राजमा गला के आई. तो
तो वो काफी बेटर हो गए हैं। 5-6 सीटी लूंगी और मस्त हो जाएंगे एकदम। फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, राजमा मैं थोड़ा अच्छा बनाती हूँ। तो यस, बहुत सारे काम है, बहुत लंबा सैटरडे होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द डे। ओके, तो राजमा के लिए मैंने यहाँ पे टमेटोज एंड प्याज ले लिए हैं। तो जो तेल है उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डाले हैं और टमेटोज डाल दिए। तो हल्का सा इनको सौते करने देते हैं और ज्यादा पकाना नहीं है, 2-3 मिनट तक पकाना रहता है। मैं अदरक लहसुन गर्मियों में बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, तो हम लोग ना लाल मिर्ची, गरम मसाला और ये सब चीजें नहीं यूज करते, तो उसके बिना मैं ये राजमा बनाने वाली हूँ, ये उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो फिर से आपको तेल लेना है, हरी मिर्ची डाली है और जो प्याज टमाटर उसको हमने पेस्ट बनाया था वो डाला, धनिया पाउडर और हल्दी डाल दी है और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको एकदम तगड़ी, मतलब जब तक ऑयल पूरी तरह से ऊज आउट नहीं हो जाता है उसमें आराम से आधे से एक घंटा लगता है, स्लो कुकिंग करती हूँ मैं यहाँ पर, तब तक आपको इसको पकाना है और उसके बाद यहाँ पे राजमा ऐड करना है। राजमा बॉईल करते टाइम मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाला था और साथ में सिनेमन स्टिक डाली थी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और मसाला ऐड नहीं किया है। यहाँ पे सॉल्ट ज़रूर डाल लीजिएगा आप, और बस अब इसको अच्छे से बॉईल होने देना है आपको। पानी जितना आप पतला करना चाहें उतना, चावल के साथ खाना है वैसा। और फिर उसके बाद इसमें धनिया ऐड कर लीजिए, धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गरम गरम घी लगी रोटी खाइए और चावल खाइए, दोनों के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मुझे तो ऐसे वाले राजमा ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ, विक्की ने पूजा वूजा सब कर लिया है, अब मैं क्योंकि खड़े खड़े मसाला चलाना पड़ता है तो फटाक से जाती हूँ शार लेके आती हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है, मुझे रिचुअल करना है 12 से पहले, तो मैं शार लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अक्षय तृतीया के उपलक्ष में हमारे नेबर्स ने हमको बहुत ही टेस्टी खाने की थाली भेजी थी, पूरा मराठी फूड है ये और बड़ा ही टेस्टी बना था, मतलब नई चीज़ें थी मेरे लिए तो, बट बहुत अच्छा था एंड बड़ा अच्छा लगा इसको खा करके। हेलो एवरीवन, सो आई एम रेडी और हम लोग निकल रहे हैं मॉल के लिए। सैटरडे है, होपफुली, देखो आज तो ईद भी है और साथ में वो भी है, क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया, तो शायद मुझे ऐसा लगता है रश बहुत होगा, बट लेट्स सी। 5 बजे जा रहे हैं, हम टारगेट लेके आ रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, 2 घंटे में भाग आएंगे। तो चलिए चलते हैं मॉल, बहुत दिनों के बाद, मैं 2 महीने बाद विवियाना मॉल जा रही हूँ लिटरली। तो निकल गए हैं एंड चलिए चलते हैं मॉल, देखते हैं इस बार। अभी भोपाल गई थी जब लास्ट मॉल में, तो मैं एक चीज़ नहीं उठा के लाई थी, तो अभी भी देखती हूँ, जाऊँगी, जा रही हूँ, कुछ लेके आती हूँ कि नहीं लेकर के आती हूँ, क्योंकि भीड़ देख के मुझे वैसे ही घबराहट होने लगती है आजकल। तो लेट्स सी। तो पहुंच गए हम लोग होम सेंटर और बहुत दिनों के बाद में आई थी तो सामान चेकआउट करने, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं लेना था, लिटरली कुछ नहीं लेना था, सिर्फ हम लोग ऐसे ही सामान चेकआउट करने के लिए आए थे। विक्की का भी मन था बहुत टाइम के बाद मेरे साथ रह रहे करके ना, उसको भी बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है होम डेकोर के स्टफ़ में, और कुछ चीज़ें मुझे नई भी दिखी क्योंकि मैं आई थिंक, मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम से होम सेंटर से कुछ लिया भी नहीं है, पहले मैं लेती ही रहती थी। तो मैं तो बैठ गई थी भाई थक करके एक जगह पे, इसको विक्की को देखो भाई कितना मज़ा आ रहा है, कितना ही मज़ा आ रहा था, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था ये उन लोगों से, कुछ कुछ अपना अपना देख रहा था चीज़ें। एंड उसके बाद फिर हम गोल्ड की शॉप पे गए थे एंड वहाँ से फिर हम जूडियो निकल गए एंड यहाँ पर आप बिलिंग क्यू देखिए, और गोल्ड की शॉप पे घुसे थे, पर बाप रे बाप, पहले मैं इधर भी गई थी मियाँ वगैरह, तो हमारा विक्की तो पसंद ही नहीं करता है कैरेट लेन मियाँ, आपको पता ही होगा, मैंने शायद बहुत बार बता दिया, मतलब ही हेट्स दीज ब्रांड्स। तो और फिर वो बोलता है इससे बेटर है कि पैसे लगाओ ही मत, इन जगहों पे लगाने से बेटर है। तो फिर मैं भी नहीं लेती हूँ वहाँ से, मतलब बट हाँ देखने गई थी। तो मैं जब मियाँ पे गई ना, तो वहाँ पर मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी, उनका नाम है मोनाली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो वो भी थाने में ही रहती है एंड शी वॉज सो प्रिटी। मैं लिटरली मोनाली अगर आप देख रहे हो तो हाई, और ना मैं लिटरली ना तो मैं फोटो क्लिक कर पाई क्योंकि मैं इतनी ज्यादा थक गई थी, मतलब मैं लास्ट जाते जाते वहां पर घुसी थी और इतना रश था कि मैंने कुछ देखा भी नहीं ढंग से, बस एक रिंग निकलवा के देखी और फिर उसके बाद वापस रखवा दिया। तो उनके साथ ना मैंने पिक्चर ली, ना मैंने व्लॉग किया, ना कुछ किया, क्योंकि हम लोग बस निकलने वाले थे। फिर वहाँ से अभी आते आते मैं जो थाने में मेरे एक ज्वेलर हैं जिनसे मैं लेती रहती हूँ, तो उनके पास गई, उनका तो मतलब ऐसे बिलिंग में लाइन लगी हुई थी, तो वो भैया ही मुझे बोल दिए, कहते मैडम अभी आपके चॉइस का आपको मिलेगा भी नहीं। तो फिर हमने क्या किया, छोटा सा एक कॉइन ले लिया, ठीक है एक शगुन करना था। फिर मैंने बोला यार अभी ना इस मूड से लेना भी नहीं है मुझे, और अभी डेंटी सा कुछ लेना भी नहीं है। hey guys, तो घर आ गई हूँ मैं, और एग्जॉस्ट हो जाते हैं गर्मियों में चल चल करके, और ऊपर से सैटरडे संडे मॉल जाना इज लाइक वो हो जाता है थोड़ा सा। तो वहाँ पर विवियाना में देयर इज अ स्टोर कॉल्ड एज मैंगो, वहाँ से एक तो विक्की अपने लिए ये डायरी लेकर के आया है, ये है डायरी, इट्स लाइक अ बिजनेस डायरी,
दिस इज द डायरी विच आई बॉट इट. नाउ व्हाई आई बॉट इट, मैं जर्नलिंग करने के लिए लेकर के आई हूँ, उसको ओपन करके दिखाती हूँ. विच आई बॉट इट, तो इसमें आप स्केचिंग भी कर सकते हो. आप लुक एट द पेज क्वालिटी, इट्स अमेजिंग. आई रियली लाइक द टेक्सचर, दिस टेक्सचर. उसके बाद ये वॉशी टेप्स जो होते हैं, वॉशी टेप्स इनको बोलते हैं, वो लेकर के आई हूँ मैं. उसके बाद हम लोग जूडियो गए थे, तो जूडियो से मैं फिर से अपने लिए दो तीन और टी शर्ट लेके आई हूँ. जैसे दिस इज द साइज विच आई एम वेयरिंग, ये एम साइज है. ये एक तो मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट लेके आई हूँ, और ये बहुत सस्ती है. ये 199 रुपीज की है. इससे सस्ता आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, और क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है, और बहुत पतला फैब्रिक है. मतलब मुझे टी शर्ट ऐसी पसंद आती है कि घिस जाए, धुल जाए, उसके बाद में पहनती हूँ. इसलिए मैं यूज टी शर्ट पहनना पसंद करती हूँ, बट ये फैब्रिक वैसे ही है. जो मैंने कल पहनी थी ना, उसी टाइप की मैं एक और वाइट लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी. उसके बाद एक ये है, ये मैंने एक्चुअली किसी के लिए लेकर के आई हूँ मैं. और उसके बाद एक ये है, ग्रे सा कलर है. और उसके बाद दो मैं अपनी वो लेकर के आई हूँ, अंडीज़ एंड अंडरगारमेंट ट्राई करने के लिए लेकर के आई हूँ जूडियो का फर्स्ट टाइम. बिकॉज नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है उनके प्रोडक्ट्स की, कपड़ों की और सब चीज़, और कॉस्ट वाइज दे आर वेरी एफिशिएंट. इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ. और आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द, ये मेरा माइक है तो मैं माइक से बोल रही हूँ बिकॉज फैन चल रहा है. सो अगर वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.